दोस्तों कैसा हो कि अगर आप अपने पीसी के गेम्स, पीएसपी के गेम्स, एक्सबॉक्स के गेम्स अपने एंड्रॉयड फोन में चला सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी के गेम्स अपने एंड्रॉयड फोन में चला सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आप इस तरह की और भी ऑसम ट्रिक्स देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक का नाम है होला वीपीएन और दूसरे का नाम है क्लाउड गेम। तो होला वीपीएन हम क्या यूज़ क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, फिर मैं दिखाने वाला हूं किससे हम गेम चलाएंगे। तो हम एक्चुअली में क्लाउड पर गेमिंग करने लेंगे, ऑनलाइन गेमिंग करने वाले हैं इस एप्लीकेशन से, जिसका नाम है क्लाउड गेम। तो एक चाइनीज एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई फाइल्स नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये कोई इमुलेटर टाइप का नहीं है, ये एक्चुअली में क्लाउड्स पे गेम सर्व करता है। तो एक तरह से रिमोट गेम की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको अपना पीसी या फिर आपका PS4 या फिर आपका एक्सबॉक्स नहीं रिक्वायर होगा। तो आपको यहाँ पर होला वीपीएन को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि दिखा रहा है कि एप्लीकेशन सिर्फ चाइना में ही लिमिटेड है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे होला वीपीएन से, जैसे देखते हैं आप दोस्तों। फिर हम यहाँ एक्सेस फ्रॉम में यहाँ पर चाइना की वीपीएन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप नीचे जाकर चाइना का झंडा और चाइना का टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो और इसे टैप करिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ हरा बटन मिलेगा, इसमें लिखा ओपन। तो यहाँ आप ओपन पर टैप करेंगे और फिर आपका यही एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी चाइना के वीपीएन से। तो अगर दोस्तों अगर आपका इस वीपीएन इस ऐप से ना खुले ये गेम, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस गेम की जो एपीके डेटा है वो उड़ानी पड़ेगी। दो तीन बार आप ट्राई करोगे फिर आपका खुल जाएगा। तो जैसे दूसरा दिखा रहा, इसके लिए आपके पास सही इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो सही है, इसमें आपका जो पिंग होना चाहिए यानी आपका जो रेट होता है कनेक्ट होने का वो ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी गेम आपके सही चलेंगे। आपको मालूम है अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो आपका नेट थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो बस इसीलिए आपका नेट अच्छा खासा थोड़ा तेज़ होना चाहिए तभी आपकी एप्लीकेशन चलेगी आपके यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ और चीज़ें इसमें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना WWE 2K16 लोड करते हैं। तो दोस्तों मैं दिखा दूँगी आपको, यहाँ पर सिर्फ टैप करना होगा तो आपका ऐसा लोडिंग करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, तो देखिए
तक ओपन नहीं हो रही, शायद मेरी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्शन का, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा। शुरुआत में ओपन हुआ था लेकिन मैंने शायद गलत ऑप्शन चुन लिया था, तो इसलिए हुआ था। मेरे हिसाब से आपको शुरुआत में जो मैंने बताया था कि सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, आप वो चूज़ कर लिएगा। तो इस तरह आप गेम कोई भी खेल सकते हो, पीसी की गेम्स, आप एक्सबॉक्स के गेम्स खेल सकते हो, पीएसपी के गेम्स खेल सकते हो, सॉरी PS4 के गेम्स खेल सकते हो, PS3 के गेम्स खेल सकते हो अपने मोबाइल पे। दोस्तों बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के और भी हम ऑसम कंटेंट लाते रहेंगे, इस तरह के हैक्स लाते रहेंगे और इस तरह की चीज़ें हम सिखाते रहेंगे फ्यूचर में। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिस रेड बटन को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, उसके आगे घंटी उसको टाइप करिए, जैसे हमारा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्द से जल्द कि आप अपडेट रहेंगे हमारे वीडियोज़ से। तो बस इसके साथ वीडियो खत्म करता हूँ, जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।